अपने डांस और कोरियोग्राफी से सबके दिलों में जगह बनाने वाली सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। सरोज खान को सांस लेने में परेशानी होने के कारण कुछ दिनों पहले ही बांद्रा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात करीब 1:52 पर उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। 71 साल की उम्र में सरोज ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था, लेकिन वो टेस्ट नेगेटिव आया था। सरोज खान के हॉस्पिटल में रहते हुए उनके सेहत में सुधार हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके हालात स्थिर और पहले से बेहतर भी थे। इसके साथ ही सरोज खान को जल्द ही हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिलने वाली थी, लेकिन बीते देर रात बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सरोज खान की करियर की बात करें तो उन्होंने करीब 2000 से ज्यादा गानों में कोरियोग्राफी की है। अपने काम के लिए सरोज खान को 3 बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही सरोज खान ने कई मशहूर गानों पर हमेशा याद रहने वाली कोरियोग्राफी की है, जिसमें डोला रे डोला, 1 2 3, ये इश्क हाय और निमुड़ा शामिल है। सरोज खान ने आखिरी बार फिल्म कलंक के तबाह हो गए गाने को कोरियोग्राफ किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित नजर आई थीं।